भाइयों बहनों, विरोध की अपनी एक सीमा होती है। और मैं आज तक नहीं बोल रहा था, हमने सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया था, लेकिन गत एक महीने से ही जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे उन्होंने गुजरात के स्वर्णिम जयंती अवसर को सहयोग नहीं दिया। जहां मौका मिला विरोध किया। मैं गुजरात की जनता का आह्वान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस स्वर्णिम जयंती वर्ष को अपना नहीं माना, विरोध किया, रुकावटें डालने की कोशिश की, वे गुजरात विरोधी हैं और उनको कभी माफ करना मत मेरे भाइयों बहनों, कभी माफ। हजारों अवसर हैं मोदी की आलोचना करने के लिए, सैकड़ों मौके हैं मोदी को परेशान करने के लिए, और आपके पास क्या नहीं है? हिंदुस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मोदी पर जुल्म करने के लिए आपने छोड़ के रखा हुआ है, करते रहिए। मोदी न टिकने वाला है, मोदी न झुकने वाला है। जितना जुल्म करना है कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये गुजरात के 50 साल थे, ये मोदी के नहीं थे, ये मोदी की सरकार के नहीं थे, गुजरात के 50 साल थे। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की विकृति मेरे भाइयों बहनों, इन्हें माफ मत करना। पिछली बार उन्होंने किया तो मैं चुप रहा था, साल भर मैं चुप रहा हूं, लेकिन आज अब जब स्वर्णिम जयंती समाप्त हो रही है तो सत्य बोलना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, और इसलिए मैं जनता जनार्दन के सामने अपनी बात बता रहा हूं। मंत्र मेरा एक ही मंत्र है, विकास। न मुझे वाद चाहिए न विवाद चाहिए, गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और उस ऊंचाइयों तक ले जाना है गरीब के घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, गांव सुखी हो, हर गली मोहल्ले में अच्छे दिन देखने को आए, इसलिए मेहनत करके हम लोग खपे हुए हैं, अपने आप को खपा के बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं देखा है जितना गुजरात सरकार पे हो रहा है। आने वाले दिनों में मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई के मैदान में उतरना चाहता हूं। आज स्वर्णिम अवसर पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तो जुल्म सहना ये भी गुनाह होता है, अब गुजरात जुल्म सहन नहीं करेगा। कब तक हम पर यह जुल्म करते रहोगे, और सिर्फ निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए? अरे लोकतंत्र है, जाइए जनता के बीच में, जनता को समझाइए, उनका विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो नहीं करना है। सिवाय गाली गलौज, सिवाय इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कुछ नहीं करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है कि गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए ये 12 करोड़ भुजाएं संकल्प करें। हम मन मंदिर में सिर्फ गुजरात के सिवाय कुछ न सोचे, आइए गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, गरीबों का भला करें, किसान का भला करें, आदिवासियों का भला करें, दलितों का भला करें, मेरी मां बहनों को सुरक्षा और सुख वैभव की जिंदगी जीने का अवसर दें। इन सपनों को पूरा करना है। और आज यहां से जब जाएंगे तब स्वर्णिम जयंती वर्ष भले पूर्ण हुआ हो, लेकिन स्वर्णिम युग के लिए हमसे जो हो सके उसको करने का हम प्रयास करते रहेंगे। इसी एक आशा अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आपको भरोसा देता हूं, आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है
मैं मरते दम तक उस विश्वास को बरकरार रखूंगा। मैं आपके विश्वास के भरोसे जीता हूं, मैं आपके विश्वास के भरोसे दौड़ता हूं, मैं आपके आशीर्वाद के भरोसे गुजरात की सेवा में खपा हुआ हूं। मुझे आपके आशीर्वाद निरंतर मिलते रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं महामहिम जी का बहुत आभारी हूं कि वो आए, हमें लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है और उनके मार्गदर्शन में हम गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।